जय जिनेन्द्र, मैं शांतिलाल मुथा, संस्थापक भारतीय जैन संगठन। पिछले कुछ वर्षों में जैन समाज में काफी बदलाव होते जा रहे हैं। छोटे बच्चों में मोबाइल की आदत, टेक्नोलॉजी की आदत, इंटरनेट, फ्री एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजों के वजह से हमारे नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर काफी सारे परिणाम हो रहे हैं। उनके बिहेवियर में चेंजेस हो रहे हैं, वो काफ़ी वायलेंट होने लगे हैं और काफ़ी हट्टी बनने लगे हैं। इस दृष्टि से अगर बचपन से ही इस आदत को लगी तो नेक्स्ट जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इशू आ सकते हैं। वैसे ही टीनेजर लड़के लड़कियां, ये दोनों के भी इश्यूज काफ़ी बढ़ गए हैं। ये दोनों के इश्यूज के ऊपर जैन समाज ने इकट्ठा होकर कुछ समाधान ढूंढना चाहिए, अदरवाइज हमारी जनरेशन हमारे हाथ से निकल जाएगी। वैसे ही विवाह का उम्र चेंज होते जा रही है, विवाह के मायने बदल रहे हैं, विवाह न करने की समस्या सामने आ रही है और विवाह करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने का भी सिलसिला बढ़ता जा रहा है। हमारे समाज के लिए यह सभी चिंता के विषय हैं। यूथ लोगों में काफ़ी सारे एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन, व्यसन, इसका अंत आत्महत्या तक भी चला गया है। अगर हम सब लोगों ने एक साथ आकर इस चीज को समझने का, इससे उपाय निकालने का प्रयास नहीं किया तो जैन समाज का अस्तित्व ही खतरे में है। इस दृष्टि से हमने पूना नगर में, पूना शहर के सभी जैन संप्रदाय के महिला मंडल को चर्चा सत्र आयोजित करके 26 नवंबर को रविवार के दिन वर्धमान प्रतिष्ठान में इसका एक दिवसीय चर्चा सत्र रखा है, जिसमें 120 महिला मंडलों ने रजिस्ट्रेशन दिया है कि वो आने वाले हैं। मैं सभी महिला मंडल के पदाधिकारियों को विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, आपके पास से कितने लोग आने वाले हैं वो लिख दीजिए। काफी लोगों ने इसके ऊपर विषय और उसके समाधान, इसके बारे में लेख लिखे हैं। अगर और भी किसी को लेख लिखने हो तो 20 तारीख तक वो लेख हमारे वर्धमान प्रतिष्ठान में अर्चना लुनावत के पास पहुंचने चाहिए। इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूं और आपका रजिस्ट्रेशन आप सुनिश्चित कीजिए। रजिस्ट्रेशन के फॉर्मेट भेजे गए हैं, कृपया आप इस विषय पर सहयोग करें यह विनती। धन्यवाद।